अडयाला जेल के अहकाम से रबते की हो रही है कि वो उनके साथ कनेक्शन हो जाए कि कैसे खान साहब को जो है वो रखा गया है, किन कंडीशन में है, या कोई भी आगे जो मजीद अपडेट करिए। लेकिन आपने ये भी देखा कि रात को किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर, हालांकि इतनी लाकानूनियत आइन को पामाल किया गया है मुल्क के अंदर के लोगों को उठा के जेल में डाला गया, लोगों को गिरफ्तार करके और उनके घरों में छापे मार के उनके कारोबार बंद करके, उसके बावजूद लोग रात आपने देखे कि फूल जो है वो गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे थे और हर जगह पर जो है वो इस्तकबाल हो रहा था। कहीं ना कहीं ग्रुप्स की शक्ल में लोग जो है वो, मतलब ये है कि सारी चीजें फेस करके कि अगर गिरफ्तारी होती है या जो कुछ भी हमारे खिलाफ होता है बेशक हो जाए, उसके बावजूद लोग जो है वो आपने देखा कि नजर आ रहे थे कि खान साहब को जो है वो वेलकम कह रहे हैं और वो जो है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मकबूल तरीन जो है वो लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आवाम जो है वो पूरी उनके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह अगर जिस वक्त इलेक्शन होंगे, जो कि ये भाग रहे हैं इसी वजह से कि अगर इलेक्शन आज होते हैं तो खान साहब जीत जाएंगे, अगर जितना लेट करते हैं जब करवा लें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीतना है, और इसके अलावा जो है वो जो इनके वहम है और जो इनके गुमान है तो सारे इनके खत्म होंगे। अच्छा नहीं मैदर पर जो साहब ये खबरें भी गुजश्ता रात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि खान साहब जब अटक जेल से निकल रहे थे तो वहां पर जो अटक जेल में जो कैदी थे वो बहुत ज्यादा अफसरदा थे। यहाँ तक कि ये भी रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया पर कि वहां पर जो कैदी थे वो रो रहे थे खान साहब की वहां से रवानगी के मौके पर। जी नो डाउट, देखें बात यह ना कि लोगों की मोहब्बत इस तरह से खान साहब के साथ है और इस तरह से वो अटैच हैं कि उनकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। और यही बात आपने देखा कि पहले भी जेल के अंदर जो है वो खान साहब के हक में नारे मारने की जो है वो आपको इतला मिली थी, और इसी तरह से वो इस तरह से जो है वो शिकार हुए हैं कि खान साहब को इसी वजह से उन्होंने जो है वो एक ऐसे सेल में रखा। और जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वो सारे जो है लॉक कर देते थे, सारी बैरक को लॉक कर देते थे कि लोग जो है वो खान साहब को ना देखें, लोगों को जो है वो खान साहब का सामना ना हो, और लोग जो है वो क्योंकि नाराबाजी और हक में नारे मारने लग पड़ते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के, इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारते हैं, तो इस वजह से वो सारे खौफ का शिकार थे। और रात को भी इसी तरह से हमें इतला मिली, देखें खान साहब जो है वो बेशक उन्हें जो है वो कैद किया गया है लेकिन लोगों के जो है दिमाग पे, लोगों के दिलों पर जिस तरह वो छाए हुए हैं वो हटाया नहीं जा सकता। और दूसरे नंबर पर यह है कि अभी हम पेश हुए हैं आज यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हमने दरख्वास्त दी है, जो खान साहब के घर की रिकॉर्डिंग की जाती थी, जो डिवाइसेस लगाई जाती थी, जो फोन टैप किए जाते थे, वो तमाम जो ओछे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए किए जाते थे, उस जो है नोटिस को भी हमने चैलेंज किया था जो लास्ट टाइम जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जो है बुशरा बीबी को जो है भिजवाया। अब बात ये देखें कि एक तरफ तो हमने पटिशन दायर की है, ये सारी जो लिस्ट की जाती हैं और एफआईए कभी हरास कर रहा है, कभी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नोटिस भेज रही है, और दूसरी तरफ हमने वो उस नोटिस को चैलेंज किया कि बात ये है कि एफआईआर उनके ऊपर जेली रसीदों की हुई है तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि पुलिस जो है उनको ऐसे नोटिस जो है वो जारी करे और खान साहब को जो अपना बीबी साहिबा को बुलाए कि आप अपनी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और हमने एफआईए को भिजवाना है। आज जब वो अदालत में इस्लामाबाद पुलिस और एफआईए आए हैं तो जनाब जब अदालत ने पूछा है, उनकी सरजनिश की है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, तो एफआईए तो बिल्कुल मुकर गया कि जनाब हमें तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कोई, उनके पास कोई मुनासिब रीजन नहीं थी। तो जैसा आपके रिमार्क थे कि अगर मेरे कोई रिमार्क से मेरी कोई बात टीवी के ऊपर चलती है और आप कल मुझे भी इसी तरह से मेरी भी ऑडियो जो है वो भिजवाएंगे फ्रांस के लिए और मेरे खिलाफ भी यूं ही कार्रवाई करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आपने देखें बात यह है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की ऑडियो आपने रिकॉर्ड करनी है या उसके टेस्ट लेने हैं या कोई इस तरह का है तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके तहत कोई भी काम किया जा सकता है। और कोई ऐसी कि मुल्क के अंदर कोई दुश्मनी या कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसा मामला जिसके ऊपर जो है वो स्टेट को बहुत खतरा हो और वो फिर जाकर एक जुमरे में, एक बड़ा नैरो स्कोप है और वो भी एक बाकायदा तौर पर लॉ प्रोसेस जो है वो करना होता है और उसके बाद परमिशन लेनी होती है, तब ये किया जा सकता है। यहाँ पर ये है कि आपने देखा कि जनाब अगर कोई घर वालों से बात कर रहा है, कोई बीवी शौहर से बात कर रही है या कोई भाई बहन से बात कर रहा है तो वो घर की प्राइवेसी, घर के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ की वो रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर धमकियां दी जाती हैं कि आप अपनी जो है वो